वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के तरफ से आयोजित एक परीक्षा जो की थी आपकी पेपर का नाम था बेसिकली अगर जो हम बात करें यहाँ पर ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम था ये, और ये एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है 16 अक्टूबर 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो इस वीडियो के अंदर हम इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर द मेंस के लिए, जो कैंडिडेट्स मेंस देने के चांसेस उनके हैं, तो उसके बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ सीट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो वैकेंसी तो नंबर ऑफ सीट्स पे यहाँ पर टोटल जो थी वो 405 सीट थी, ठीक है। और यहाँ पर जो पेपर था, देखिए दो पेपर हुए थे, एक हुआ था पेपर वन जो कि था आपका 200 मार्क्स का, एंड पेपर टू जो था वो बेसिकली क्या है, सी सेट का है, जो कि आपका वो भी 200 मार्क्स का है, बट दैट इज़ द 33% वहाँ पर रहता है एलिजिबिलिटी फॉर द क्वालिफाइंग मार्क्स। बेसिकली ये सेकेंड पेपर आपका क्वालिफाइंग है, पेपर वन के बेसिस पे ही आपका जो है कट ऑफ जो है वो डिसाइड होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन थे 200 मार्क्स के, दैट मीन्स वन क्वेश्चन कैरीज फॉर द 2 मार्क्स, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का था यहाँ पर। तो अगर जो मैं यहाँ पर बात करूँ कि जो इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग आफ्टर सॉल्विंग ऑल द पेपर्स, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द पेपर, आप लोगों ने अगर जो किसी ने पेपर के सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर सॉल्यूशन देख सकते हैं, या फिर आपने किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं से भी आपने सॉल्यूशन मैच किए हैं, अपने आंसर्स मैच किए हैं, तो उसके बेसिस पे अगर जो मैं बात करूँ तो इस बार का जो एक मैं आपको ओवरऑल बताऊँगा, ना कि एक कैटेगरी वाइज, एक जनरल कट ऑफ के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए पेपर जो है आपका, पेपर आपका थोड़ा सा कहूँगा कि मॉडरेट लिटिल बिट था, बट थोड़ा सा लिटिल बिट टफ भी था, और साथ में पेपर क्या था, लेंदी था। देखिए जब एक्चुअली आजकल क्या हो रहा है कि स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम्स के अंदर जो है यूपीएससी का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो आपका क्या है, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन वाला है ना। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि पेपर लेंदी हो जाता है, टफ थोड़ा बहुत रहता है, बट इस बार का जो पेपर था उड़ीसा वाला, उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स और कई सारी नई चीज़ें, नए टाइप के क्वेश्चंस मेरे को देखने को मिले हैं। तो इस उन सभी चीज़ों को एनालाइज करते हुए मैं अगर जो बात करूं कि इस बार की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो कितनी हो सकती है, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए फॉर द क्वालिफाइंग फॉर द प्री एग्जामिनेशन, तो वो आपकी 92+ में आपको देखने को मिल सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी आपको, 90+ में अगर जो 92+ में मार्क्स अगर जो मिल रहे हैं, अगर जो आ रहे हैं, तो आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि मेंस में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 2 या 3 महीने का ही हार्डली समय मिलेगा, ठीक है। तो अगर जो देखिए ये कट ऑफ एक जनरली है, जनरल कट ऑफ कैटेगरी है, इसके अंदर अगर जो आप ओबीसी में हैं या एससी एसटी के अंदर आ रहे हैं तो डेफिनेटली इस मार्क्स से आपकी वैल्यू जो है वो कम ही रहेगी, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी वो कट ऑफ। तो अगर जो 92+ आ रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग पेपर सॉल्व करने के बाद, बाकी सब चीज़ों को देखने के मद्देनज़र, अगर जो 92 नंबर आपके आ रहे हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फॉर योर प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस को पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि मेंस में कई सारे पेपर्स होते हैं और आपको डिटेल्स में लिखना होता है, राइटिंग प्रैक्टिस सारी चीज़ें आप कंटिन्यू कर सकते हैं, है ना। अगर जो इतने बन रहे हैं, अगर जो 1-2 नंबर मान लीजिए मैं 92 बोल रहा हूँ और कट ऑफ आप मतलब आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो 90 आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा और कम हो जाए। भाई देखिए ये प्रिडिक्शन है मेरी, अनुमान है कि भाई 92+ कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा तो जाने के चांसेस काफ़ी कम है, ठीक है, जा भी सकती है थोड़ा बहुत, बट बहुत कम चांसेस हैं। अगर जो 1-2 नंबर आपके आगे पीछे भी आ रहे हैं तो भी आप प्रिपरेशन जारी रखिए, मींस में नहीं अगर जो मौका मिलता है तो आप अगली बार की अटेम्प्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन और अच्छी रहेगी, ठीक है। तो दिस वाज माय प्रिडिक्शन रिगार्डिंग विद द ओडिशा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रीलिम्स कट ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।